हाय फ्रेंड, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हो आरके एस टेक्निकल चैनल को। तो फ्रेंड, अभी मेरे पास एक फ़ोन है जो कि इनफिनिक्स ब्रांड का, और इस फ़ोन का जो प्रॉब्लम है चार्जिंग का। तो फ्रेंड, चार्जिंग अगर एक घंटा, दो घंटा या उससे भी ज़्यादा इसमें इनपुट करके रखते हैं तो इसमें चार्ज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन में अभी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, आपके पास अगर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन ऐसा चार्जिंग प्रॉब्लम के लिए आए तो कैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले अब इस फ़ोन को मैं फटाफट से यहाँ पे रिमूव करता हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड, चलिए मैं इसको रिमूव करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, इसका जो बैक पैनल है, सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद इसके अंदर इसका फिंगरप्रिंट का यहाँ पे पेपर मिलेगा, तो उसको रिमूव करना है। तो फ्रेंड, अभी इसका जो बैक पैनल है वो रिमूव हो गया। अभी मैं फटाफट से इसका, देखिए, ऊपर जो कवर है, कवर को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे टोटल जो है मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अभी मेनली जो करना है, अभी इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज को चेक करके देखना है, ठीक है फ्रेंड, कि इसका जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर में चार्जिंग वोल्टेज कितना आ रहा है, उस वोल्टेज को हमको फाइंड आउट करके अभी देखना है। तो अब मीटर को जो है वो 20 वोल्टेज रेंज पे यहाँ पे सेट कर दीजिए, और चार्जर जो है मैं इसको इनपुट करता हूँ, ठीक है। तो अभी इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज को यहाँ पे चेक करके देखना है। तो अभी देखिए, इसमें जो वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो फ्रेंड, मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो वोल्टेज है 3.616 समथिंग आ रहा है, यानी कि वोल्टेज यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। देखिए, एक चार्जर यानी कि एक बैटरी परफेक्ट चार्ज होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, नॉर्मली आपको 3.7 से ऊपर का वोल्टेज चाहिए तो आपका जो बैटरी है यहाँ पे चार्ज होगा। लेकिन इस फोन में दिक्कत क्या है, इसमें चार्जिंग जो है उसका वोल्टेज यहाँ पे परफेक्ट नहीं मिल रहा है, ब्लिंक कर रहा है, यानी कि 3.7 से नीचे का भी आ रहा है। तो फ्रेंड, एक्चुअली प्रॉब्लम इसके वजह से हो रहा है, बैटरी का जो चार्ज है वो स्टेबल नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डायोड की ज़रूरत है। अभी मेरे पास डायोड है। तो फ्रेंड, देखिए, जो डायोड है ये 2 एम्पेयर का, और इसका जो वोल्टेज है वो 4.7 वोल्टेज का यहाँ पे मेरे पास डायोड है, और लगभग 0.5 वोल्टेज तक ये यहाँ पे फिल्टरिंग कर देगा वोल्टेज को, ठीक है फ्रेंड। तो अभी इस डायोड को यहाँ पे यूज़ करना है। और आप अगर किसी एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हो तो फ्रेंड, अभी देखिए 2 एम्पेयर का लगभग आपका जो डायोड है उसको होना ही चाहिए। तो फ्रेंड, चलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कैसे फिटिंग करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, डायोड में दो सिरा होता है, एक सिरा में आपको जो चार्जिंग वोल्टेज है उसका पॉजिटिव सप्लाई में लगाना है, और दूसरा बैटरी कनेक्टर में पॉजिटिव सप्लाई में। तो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, मैंने एक साइड को जो चार्जिंग वोल्टेज का पॉजिटिव सप्लाई है उसमें मैंने जम्पर कर दिया। अभी देखिए, जो दूसरा सिरा है, दूसरे सिरा को यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव सप्लाई है, जैसे कि ए से जो सप्लाई है, ये बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव सप्लाई है। तो फ्रेंड, इसमें से लेके डायोड में जम्पर कर देना है। तो फ्रेंड, चलिए अभी मैं इसको जम्पर करके फिर इसके बारे में आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे जंपर को मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी मैं डिटेल्स में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, जो डायोड है, डायोड का दो सिरा है, तो जो यहाँ पे ब्लैक कलर का जो सिग्नल है उसको आपको बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव सप्लाई में लगाना है, और दूसरा देखिए, जो क्लीन यहाँ पे सिरा है उसको आपको चार्जिंग का पॉजिटिव सप्लाई में लगाना है। तो ये जो पेपर है, पेपर सीधा आपका चार्जिंग कनेक्टर से लेके इसका कनेक्शन ऊपर तक आता है, इसलिए मैंने इस साइड को ऊपर में जम्पर कर दिया। तो फ्रेंड, चलिए अभी इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज को यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है।
तो फ्रेंड चलिए अभी चार्जर इनपुट करके इसका जो वोल्टेज है वोल्टेज को चेक करके देखते हैं। तो फ्रेंड पहले क्या था, इसका जो वोल्टेज है वो 3.6 समथिंग आ रहा था और ब्लिंग हो रहा था, जिसके वजह से इसका बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो वोल्टेज है ये 4.13 वोल्टेज स्टेबल है, अभी जो वोल्टेज है बैटरी चार्ज होने के लिए परफेक्ट है। ओके तो चलिए इसका ऊपर साइड में कितना वोल्टेज है उसको चेक करके देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो 4.60 या उससे ज़्यादा वोल्टेज है, बाकी का वोल्टेज ये जो डायोड है ये फिल्टरिंग करके बैटरी कनेक्टर में भेजता है। ओके फ्रेंड तो इस तरीके से कोई भी स्मार्टफोन में चार्जिंग प्रॉब्लम को आप इजी सॉल्व कर सकते हो।